सो घर में एक नया एक्वेरियम लेके आना इज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मस्त फीलिंग है वो। पहली बार हमारे घर में एक एक्वेरियम लेके आ रहे हैं, व्हाट अ नाइस फीलिंग, राइट? एंड इट्स ग्रेट। अंदर से हमको लगता है कि हाँ, यू नो, घर में मस्त रहेगा, सुंदर दिखेगा, फिश घूमेगा, हम लोग एंजॉय करेंगे एंड यू नो स्ट्रेस फ्री होंगे हम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यही तो रीजन होता है कि एक फर्स्ट टाइम हॉबीस्ट या फर्स्ट टाइम फिश कीपर एक एक्वेरियम लेके आता है। आज हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, इट इज कॉल्ड न्यू टैंक सिंड्रोम। बड़ा बड़ा शब्द है ना, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस। बस आज यही डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था किसके बारे में, कि नया टैंक खरीदते टाइम क्या देखना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए वगैरह वगैरह, एक वीडियो बनाया था शायद मई मंथ में मैंने डाला था, तो आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जब टैंक लेके आते हो, घर के अंदर रखते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स होता है एंड उसका सॉल्यूशंस क्या है, ये डिस्कस करेंगे। बिकॉज 90% मेरे हिसाब से 90% जो न्यू हॉबीस्ट है या न्यू फिश टैंक कीपर्स है या न्यू फिश कीपर्स है, जब फिश लेके घर जाते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ सुना है शॉपकीपर से, बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया है, बट याद नहीं है। फिर गूगल करते हैं, सुपर, अरे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है बट याद नहीं है। जब करते टाइम प्रैक्टिकली करने के लिए होता है तो सब भूल जाते हैं एंड वो फिश बीमार होता है, प्रॉब्लम होता है, पानी गंदा होता है, फिश मर जाता है। एंड जिस एंथुजियाज्म से, जिस उत्साह से उन्होंने शुरू किया था कि हम एक एक्वेरियम लेके आएंगे, वो एंथुजियाज्म टैंट है फिश एंड वो पूरा उत्साह पुस हो जाता है एंड दे फील बैड। सो ये वीडियो आप देखो, बहुत सिंपल है, आइडिया बहुत इजी है, प्रिकॉशन ज्यादा, सॉल्यूशंस भी है। इन दोनों को मिक्स करके आपको यह समझ में आएगा कि आप अपना घर में फिश टैंक जब लेके आते हो नया, तो विदाउट प्रॉब्लम आप कैसे रख सकते हो। सो अगर हम न्यू टैंक सिंड्रोम का डेफिनेशन ढूंढे तो इट इज ओनली वन वर्ड, इज इक्वल टू स्ट्रेस। आपके घर में आप टैंक लेके आए, फिश स्ट्रेस्ड आउट हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको बीमारी हो गया, तकलीफ हो गया, व्हाइट स्पॉट्स हो गया, फिन रॉट हो गया या जो भी हो गया एंड मर गया। एंड आपको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि फिश स्ट्रेस में ना जाए, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी है बट मैं क्विकली ये बताने वाला हूं, ठीक है? पहले तो आपको टैंक साइकिल करना, आपके टैंक के पानी में क्लोरीन नहीं होना चाहिए। आप अपने टैंक के पानी को टेस्ट करें ताकि हार्डनेस, पीएच वगैरह करेक्ट हो, करेक्ट फिल्ट्रेशन यूज करें और फिल्ट्रेशन में बायोमीडिया होना जरूरी है, ओके? आज के डेट में एपीआई बायोमीडिया इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू बाय, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। टैंक का टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, मतलब पानी का टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, मतलब जो पानी आपके टैंक के अंदर है उसका टेम्परेचर एनीवेयर बिटवीन 26 एंड 28 डिग्रीज अगर है ओनली फिश के लिए एंड 23 टू 24 डिग्रीज अगर है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, तो वो बेस्ट है। जरूरत से ज्यादा मछली नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं देना चाहिए, लाइटिंग करेक्ट होना चाहिए, फिश के लिए हाइडिंग स्पेसेस होना चाहिए उसके हिसाब से या स्पीशीज के हिसाब से। अगर सिक्लिड्स है तो बहुत हाइडिंग स्पेसेस, ओके? हर एक फिश को थोड़ा बहुत हाइडिंग स्पेसेस सेफ्टी के लिए चाहिए होता है, उसके हिसाब से वो प्लान करो, होमवर्क करो। आप जब फिश लाते हो एक्वेरियम के दुकान से, एक्वेरियम दुकान का पैकेट का पानी नहीं चाहिए, एक्लिमेटाइज करेक्टली करो, ओके? बहुत जरूरी है ये। मैंने ऑलरेडी बोला था कि फिल्ट्रेशन करेक्ट होना चाहिए, मीडिया अच्छा होना चाहिए, मैं फिर से दोहराता हूं, फिल्ट्रेशन करेक्ट होना चाहिए, मीडिया मस्त होना चाहिए और उसमें बैक्टीरिया होना चाहिए, टैंक साइकिल होना चाहिए,
ओके एंड फाइनली शायद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बिना मतलब के मेडिसिन ना डाले, डू नॉट मेडिकेट विदाउट रीजन. दुकान में ब्लू मेडिसिन, येलो मेडिसिन, ग्रीन मेडिसिन, ये वाला रिडॉल बकवास सब बेचते हैं और आप खरीद के लेके आते हैं. उन सब का कोई जरूरत नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. बिकॉज अगर आप बिना कोई मेडिसिन के आपका फिश एक्लिमेटाइज ना कर पाए तो देन देर इज अ प्रॉब्लम. सो डू नॉट मेडिकेट अनलेस देर इज अ रीजन. ओके नाउ आपके टैंक जब आप घर में लेके आते हो क्या क्या होने वाला है ये मैं बताने वाला हूं. देखते रहो, मजा लेते रहो. एक नए टैंक में टैंक, फिल्टर, लाइट, वो सेटअप, फिश, वो सब लेने लेके आने के बाद ये कभी मत बोलना एपीआई न्यूट्रो प्लस, ये मेडिसिन नहीं है, ये आयुर्वेदिक है. ओके बहुत बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, पेट साफ रखता है और कुछ नहीं करता है. ठीक है, पेट के अंदर प्रोबायोटिक्स बढ़ाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है. इंटरनल पैरासाइट निकाल देता है, वो भी क्या कुछ बड़ी बात नहीं है. ठीक है, डीवर्मिंग में मदद करता है, स्केल्स इंप्रूव करता है, कलर इंप्रूव करता है, हेल्थ इंप्रूव करता है, भूख बढ़ाता है, बट फिर भी नॉट अ बिग प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट अ मेडिसिन. ये एक फिश की जरूरत है. अगर आपके पास फिश है और न्यूट्रो प्लस नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए. नाउ न्यूट्रो प्लस इतना इजी और सिंपल मेडिसिन है, आप थोड़ा इसमें डालो, खाना डालो, मिक्स करो और फिश के लिए डाल दो. अरे हाँ, मैंने बोला ना, जीरो साइड इफेक्ट्स. या टेस्ट गंदा है बट साइड इफेक्ट्स नहीं है. ओके इट्स ओनली गॉट गार्लिक है, स्पिरुलिना है, मरीन रेड एल्गे है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है, ये सब जो चीजें फिश के लिए चाहिए होता है. अगर आपका फिश उल्टा हो रहा है तो मुंह में डालो, इसके बारे में वीडियो है, देखना जरूर. बट ये अगर आप नया टैंक लेके आते हो या नया फिश लेके आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रो प्लस. कुछ लोग शायद इसको एडवर्टाइजमेंट समझेंगे, है, बिकॉज ये प्रोडक्ट हमारा है. अगर आप सही मायने में ले तो ये फिश के लिए रामबाण दवाई है. बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि कब ये शब्द यूज करूं, रामबाण दवाई. नाउ आपके घर में फिश है, एक दिन हो गया या दो दिन हो गया, उसका ब्रीदिंग लेबर्ड है, मतलब मुश्किल से सांस ले रहा है, हमेशा ऊपर रहता है या हमेशा नीचे कोने में जाके चुपके बैठा रहता है, साइड में जाके सो गया है, उल्टा स्विम हो रहा है, या फिल्टर के पीछे छुप जाता है एंड ऑफ कोर्स सांस लेने के लिए ऊपर आता है. ये बोला शायद मैंने, हाँ, बट सांस लेने के लिए ऊपर आता है. लेबर ब्रीदिंग, मुश्किल से स्विम करना, या नॉट राइट, द स्विमिंग इज नॉट राइट. सो ओवरऑल बिहेवियर अगर सही नहीं है देन फिश स्ट्रेस्ड आउट है और आपने कुछ गलती किया है. नाउ यहां पे न्यू टैंक सिंड्रोम में फिश का कोई गलती नहीं है, शॉपकीपर का कोई गलती नहीं है. ठीक है, एंड मैं आपका भी गलती नहीं बोल रहा हूं, बट सॉरी बट ना समझी बोल रहा हूं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं. ओके बिकॉज आपने अगर सही ढंग से सेट नहीं किया तो ये सब प्रॉब्लम होने वाला है. ये तो प्रिलिमिनरी प्रॉब्लम्स है. अगर आपका पानी ठीक नहीं है, टेम्परेचर ठीक नहीं है, या इकोसिस्टम ठीक नहीं है फिश के लिए, देन और भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. एंड इन प्रॉब्लम्स में द लिस्ट इज लॉन्ग. ओके स्विम ब्लैडर डिजीज, ड्रूपसी, क्लैम्प्ड फिन्स, ओके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक ग्रोथ, ये सब प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. लाइस हो सकता है, फ्लूक्स हो सकता है, फिन्स गिर सकता है. ये सब शुरुआत होता है बिकॉज आपने सही ढंग से टैंक सेट नहीं किया. नाउ मैं डरा नहीं रहा हूं. ओके ये सिंपल बात है. कोई भी जीव, सी अभी जब हमारे घर में
नया बच्चा होता है तो हम कितना प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, यू नो बॉडी क्लीन होना चाहिए, हमेशा वाइप करना चाहिए, बॉडी ड्राई होना चाहिए, सही खाना मिलना चाहिए, ये सब ऐसे ही है एक्वेरियम में भी। अगर उसका जो सराउंडिंग या इकोसिस्टम या सिस्टम या टेक्नोलॉजी करेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाला है एंड फिश स्ट्रेस में जाएगा, मर जाएगा। तो अभी अगेन कमिंग बैक टू, जब टैंक लेके आते हैं तो ये ध्यान में रखो कि पहले साइकिल करें, एक फिल्टर अच्छा ले, ओके, सही सेटअप, थोड़ा होमवर्क करके फिश के हिसाब से सेटअप, फिश के हिसाब से खाना, ये सब जरूरी चीजें हैं। टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, वाटर पैरामीटर्स करेक्ट होना चाहिए, एक्लेमेटाइज आपको करेक्ट करना चाहिए। तो न्यू टैंक सिंड्रोम में ज्यादा प्रिकॉशंस है, ओके, अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आपको वो न्यू टैंक सिंड्रोम का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, फिश को स्ट्रेस होगा ही नहीं। नाउ अगर स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाटर चेंज, बिकॉज 90% प्रॉब्लम्स पानी के वजह से होता है, बिकॉज आपका पानी गंदा है, दिखता साफ है। बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं कि मेरा फिश 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, और हम रिप्लाई करते हैं कि सर या मैम आपका पानी गंदा है। नहीं, मेरे को साफ दिख रहा है। साफ होना और दिखना बहुत अलग अलग चीज है, ठीक है। हल्का सा धुंधला भी हो तो मतलब अमोनिया बिल्डअप हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है, एंड फिश खाना छोड़ देगा। आपका फिश नीचे जाके बैठा है या फिल्टर के पीछे छुपा है, इट इज स्ट्रेस, बिकॉज आपने पावर फिल्टर यूज किया होगा और उसको वो फोर्स जम नहीं रहा है, नीचे जाके बैठ गया। तो सी जनरली वो यू नो वो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है। आपका टैंक का जो एनवायरमेंट है, जो 90% पानी है, ओके, अगर वो ही गलत हो तो फिश एक्चुअली उल्टा रिएक्ट करने वाला है। नाउ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना, मैं यहां पे टैंक के बाजू में बैठा हूं और मेरे हाथ हिलते रहते हैं और कभी कभी टच भी होता है और फिश जंप होता है, स्ट्रेस। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये सब सिचुएशन है जो स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सिंपल थिंग, आपका शैडो स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। अगर यहां पे लाइट है और ये शैडो आया तो डिस्कस जैसा फिश डर के छुप जाता है। दिन भर एंड रात भर लाइट रखते हैं कुछ लोग, स्ट्रेस। सो ये आपके ऊपर है एंड आप ही हो जो ये कम कर सकते हो और फिश को हैप्पी हेल्थी रख सकते हो। जी अगर मैं शॉपकीपर हूं और आप बोलते हो मेरे पे वो 2 फीट टैंक है, मैं 50 मछली डालूंगा, तो मैं बोलूंगा ले जाओ सर, मेरे को बिजनेस हो रहा है ना। बट आपको सोचना है कि कितना फिश रखना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करो, ये बहुत इजी चीजें हैं। ये 3 फीट का टैंक है, अगर मेरे को बोले कि गोल्ड फिश डालो ये टैंक में तो 4 डालूंगा, 3 या 4, मैक्सिमम 5 अगर छोटा साइज का, बिकॉज ये वॉल्यूम जो है, वाटर वॉल्यूम जो है ये टैंक का, उन 5 फिश के लिए बस है, करेक्ट है। नहीं तो बायोलोड ज्यादा होगा, पूप एंड पी, कचरा ज्यादा होगा, अमोनिया बढ़ेगा। सेम थिंग विथ फूड, आपका फिश कुदरती कुछ हफ्ते में 2 या 3 बार ही खाना मिलता है उसको, रोज 2 टाइम नहीं मिलता है, उनको ढूंढना पड़ता है खाने के लिए, या ढूंढना पड़ता है खाना मिलने के लिए भी। वो ढूंढते 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 कुछ कीड़ा मिला, टुकड़ा मिला, खा लिया, फिर ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। बट यहां पे घर में आप 2-2 टाइम 3-3 टाइम, अरे यार मेरा फिश बुका है, सुबह से शाम आते जाते, ओवर ईटिंग करने से सबको तकलीफ होता है यार, आपको बदहजमी हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा आप खाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम। सो कोई भी जानवर हो, इंसान हो, जरूरत से ज्यादा नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड ऑफकोर्स वाटर चेंज, मैं तो 50 बार बोल चुका हूं, पूरा टैंक निकालने का जरूरत नहीं है, 40% 50% वाटर चेंज करो, डिपेंडिंग ऑन द फिश,
अगर ऐसे टेट्रास वगैरह हो तो 30% वाटर चेंज, गोल्डफिश हो तो 40% वाटर चेंज, डिस्कस वगैरह है, बेयर बॉटम है तो 10% वाटर चेंज एवरी डे, नॉट एन इश्यू। बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज्यादा वाटर चेंज मतलब पूरा सिस्टम चेंज और स्ट्रेस होने का ज्यादा चांस। आप फिश को कभी निकालो ही मत टैंक से, जरूरत ही नहीं है। सो ये सिचुएशंस आपको समझना है, संभालना है एंड न्यू टैंक सिंड्रोम से बचना है। नाउ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके बारे में। थोड़ा जानकारी ले, थोड़ा पढ़े और वो एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है एक एक्वेरियम लेके आने का उसको सही मायने में एंजॉय करें एंड उससे ज्यादा एक्वेरियम को एंजॉय करें। बिकॉज आपने अगर सब कुछ ठीक से सेट किया तो देन जो सही मायने में एक्वेरियम से हमें एंजॉयमेंट मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ लोकल सस्ता कुछ खरीद के डाल दिया तो जिंदा, नहीं नहीं होता है। इट्स जस्ट अब जितना भी ट्राई कर लो इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अगर आप करेक्टली नहीं करते हो तो इट्स अ प्रॉब्लम। आपको लगता है कि कुछ हॉबीस्ट है, सीनियर हॉबीस्ट है, अरे एक स्पॉन्ज फिल्टर के साथ ऐसा इतना ब्यूटीफुल रख रहे हैं, बिकॉज वो मेहनत करते हैं उसके पीछे, ऐसे छोड़ नहीं देते। सही खाना खिलाते हैं, टाइम पे खाना खिलाते हैं, सही क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, पानी वाटर चेंज रेगुलर करेक्टली करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पैरामीटर्स मेंटेन करते हैं, तब जाके फिश सुंदर होता है, हेल्थी होता है, ब्यूटीफुल होता है। आप कोई भी डिस्कस कीपर से पूछ लो, रोज वाटर चेंज करता है बिकॉज डिस्कस को चाहिए, कचरा होता ही नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है। न्यू ट्रैंक सिंड्रोम इक्वल स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली विद प्रिकॉशंस। डोंट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन। आप पहले से सब ठीक कर लो, सॉल्यूशन का जरूरत नहीं। आपके घर में छत अच्छे से बांध लो तो बारिश में पानी अंदर नहीं आएगा। अगर आप वेट करोगे पानी आने दो तब देखेंगे तो देन आपका प्रॉब्लम। सेम सिचुएशन, बीमार होने तक वेट क्यों करते हो, मत करो। एंड प्लीज अनवांटेड मेडिसिन यूज मत करो। ये सब जितने भी आप दुकान से लेते हो नॉट यूजफुल, वेस्ट ऑफ मनी। ओके, मेरा काफी सारे वीडियोस है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट इज एन अमेजिंग एंटीसेप्टिक एंड हां न्यूट्रो प्लस तो है, यू कैन यूज दिस एज वेल। सुनो, मैं आशा करता हूं इस वीडियो में भी आपने कुछ सीखा, जाना, समझा। सिंपल टॉपिक है, बिगनर्स के लिए है। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से एंड असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। स्ट्रेस किसी को पसंद नहीं है, ना हमको ना फिश को। स्ट्रेस होता है जब अपना एनवायरमेंट बदलता है, स्ट्रेस होता है जब अपना इर्द गिर्द चीजें बदल जाए, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम, हवा में कुछ प्रॉब्लम, मतलब पानी में कुछ प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज। एनवायरमेंट जब चेंज होता है या अनकंफर्टेबल होता है तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ता है। जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ता है तो हमें मुश्किल होती है, फिश को बीमारी होती है। तो फिश को बीमारी से बचाओ, न्यू टैंक सिंड्रोम या कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड चीजों से बचाओ, प्रिकॉशंस लो और टैंक को सुंदर बनाओ और हॉबी को एंजॉय करो, फिश कीपिंग को एंजॉय करो। ओके, बहुत जल्दी मिलेंगे। बस और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज है, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है, चलो बाय बाय।